तो जिन पत्तों में जड़े यार खेती तो मैंने निकाल लिया, इस गमले में मैं उसे लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हो रही है, तो मैंने सोचा यार कि क्यों ना इसको मैं इस गमले में लगा दूँ, क्योंकि मुझे ये पता तो चल गया कि पत्तों में जड़े आ सकती है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला अभी तक कि इसमें और टहनियाँ भी आ सकती है या इसका प्लांट और बड़ा भी बन सकता है, ये मुझे पता नहीं है। तो इसको मैं एक बार करके देखूँगी कि हाँ आता है कि नहीं आता है, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। आप सोच रहे होंगे यार रोज रोज मनी प्लांट की ही वीडियो दिखाती हूँ और तो देखो, क्योंकि मुझे नहीं था ना यार पहले पता कि पत्तों में जड़ें भी आती है। अब मुझे ये नहीं पता कि सिंगल पत्तों में और टहनियाँ भी आएंगी, इसमें बड़ा प्लांट बन सकता है, ये मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मैं इस गमले में लगाऊँ, ये रेड वाला गमला है तो इसी में मैं लगाऊँ, छोटे वाले गमले में। अगर इसकी टहनियाँ आएगी तो खिड़की में दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, नहीं आएगी तो ये इसी में रहेगा, देखते हैं। इसीलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। तो मैंने जिसमें जड़े फटाफट से निकाल लिया, सब में जड़े हैं, एक दो पत्ते ऐसे ही ख़राब हो गए थे क्योंकि ऊपर ही रहे होंगे पानी में, पानी में नीचे नहीं पड़े होंगे तो वो थोड़ा ख़राब हो गए थे। तो और पत्ते मैंने इसमें लगा दिए, सिंगल सिंगल पत्ते। आप लोगों को पता है कि सिर्फ सिंगल सिंगल पत्ते हैं जिसमें मैं लगा रही हूँ। और इस पर अगर जड़े आएगी और टहनियाँ आएगी, जड़े तो आ रखी और टहनियाँ आएगी और प्लांट इसमें बड़ा बनेगा, तो मुझे भी यार विश्वास होगा, आप लोगों को विश्वास होगा, आप लोग फिर इसी तरह लगाएंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ। तो इसमें जड़े तो मैंने आप लोगों को दिखा दी, हाँ जड़े आ सकती है, ये नहीं मुझे पता इसमें और टहनियाँ भी आ सकती है या प्लांट ये बड़ा हो सकता है, तो इसमें मैंने लगा दिया। ये देखो जरा सिंगल सिंगल पत्ते लगा रखे हैं इसमें, इसमें जड़े तो आ रही है और पत्ते तो अभी सिंगल ही सिंगल ने, देखे तो और टहनियाँ आती कि नहीं आती है, तो इसलिए मैंने इस गमले में इसे लगा दिया। और यहाँ पे ये जो छोटे वाले जो बोतल काट के मैंने इसमें और पत्ते रखे थे, तो पत्तों में जो जड़े आ गई तो ये खाली हो गया। तो इसको ना मैं फेंक ही दूंगी यार, क्योंकि ये ना पानी डालने में थोड़ा खराब सा हो रहा था वहाँ पे, तो इसमें डाल दिया मैंने पानी, क्योंकि वो जो मनी प्लांट होता है बिना पानी का तो है नहीं सकता है, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया। और यहाँ से मैं और पत्ते निकालूंगी, क्योंकि जो दूसरा वाला वो छोटा वाला डिब्बा है वो खाली हो चुका है, तो उसमें भी तो चाहिए कुछ, लेकिन मैं उसको फेंक दूंगी और दूसरी वाली बोतल में ही पत्ते डालूंगी जिसमें वो और वो मनी प्लांट था, सिंगल वाला मनी प्लांट था, उसको मैं इधर वाले डे उसमें रख दूंगी बोतल में, उसमें रख दूंगी मैं ये पत्ते। तो ये देखो ज़रा, और यहाँ पे मैंने पहले तो मैंने इसी में भरा पानी, पर इसमें ना पत्ते सेट नहीं हो रहे थे क्योंकि पत्ते थोड़ा बड़े बड़े हो रहे थे, और उसमें पहले तो मैंने छोटे पत्ते लगाए थे, लेकिन ये हैं बड़े बड़े पत्ते, तो इसमें ना वो सेट नहीं हुए थे। फिर मैंने क्या किया, इधर निकाला फिर दोबारा से, मैंने कहा यार देखती हूँ इसको ऐसे बांध के देखती हूँ, कैसे बांध के देखती हूँ। तो इसमें कुछ ऐसी टहनियाँ थी जो लंबी लंबी थी, तो उसको मैंने ये सोचा चलो मैं इसे काट दूँगी। तो मैं देख रही अभी नाप के कि यार कुछ टहनियाँ बड़ी है कुछ छोटी है, और ये फ्लावर टाइप का बना रही हूँ, जैसे गुलाब का फूल भी बनता वैसे मैं इसे बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसे बांधने की, इसे बांध दूँ और बांध के इसमें रख दूँ। तो मैंने इसे बांध भी दिया है, ये देखो जरा इसमें दो तीन जड़े, ये टहनियाँ ऐसी थोड़ी लंबी सी लग रही मुझे कि ये लंबी सी है, तो मैं फटाफट से चाकू निकाला, चाकू निकाल कर मैंने इसे काट दिया और काट के मैंने इसमें लगा दिया। फिर मुझे यार इसमें ना सैड सा नहीं लग रहा था कि मैंने कहा इसमें अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, क्योंकि पत्ते थोड़े चौड़े से हो गए थे। तो मैंने क्या किया, जो सामने दूसरी बोतल खाली थी ऑरेंज कलर की, तो उसमें ही मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ पर ये मनी प्लांट भी तैयार हो गया, और ये मैंने इधर रख दिया, ये देखो जरा, और इसको निकाल के मैं इधर रख दूँगी। और जो ये है करवा का जो होता है ये, तो उसको करवा में मैंने क्या किया यार, क्यों फेंकूँ इसे, इसमें मैं गमला ही वो लगा देती, मनी प्लांट ही लगा देती। इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया, टहनियाँ काटी मैंने कुछ ऊपर वाले गमले से टहनियाँ लाई काट के, इसमें यार पानी ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा इधर पानी निकाला। फिर मैंने सोचा यार कि कहीं मैं अचानक इसमें ज़्यादा पानी डाल दूँगी, तो मैंने एक कागज़ की टुकड़ी दी वहाँ से, हर कागज़ की टुकड़ी में छेद को बंद कर दूँगी, फिर भी यार कागज़ तो गल ही जाता, दिमाग मेरा काम ही नहीं कर रहा। और फिर भी मैं लगा ही रही हूँ कि चल कुछ तो रुकेगा। तो ये देखो ये निकाल, फिर भी पानी टपक ही रहा था। फिर मैं थोड़ा पानी इधर निकाला, इधर निकाल के फिर मैंने थोड़ा कर दिया। इसे ना मैं कहाँ लगाऊंगी, इसको ले जाऊंगी मैं अंदर, इसको रखूंगी फ्रिज के ऊपर। तो इसको रख दिया मैंने फ्रिज के ऊपर, ये देखो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर मैंने इसे रख दिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर फ्रिज के ऊपर। और फिर क्या किया मैंने, ये देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये यार। कुछ ये कि मतलब अंदर लगा दो, डेकोरेशन के लिए लगा दो, बोतल में लगा दो, किसी में लगता अच्छा लगता। तो ये लेवन है, लेमन घास है, तो इसको भी मैं काट रही हूँ, बहुत बड़ा हो गया था, तो कल परसों सोच रही थी, तो चौहान जी ने आज सुबह कह के इसे काट देना बहुत लंबा हो गया, तो इसे सुखा के ना चाय के साथ बहुत अच्छी मतलब खुशबू आती है इसकी, तो ये बहुत बड़ा हो गया था, इसको मैंने काट दिया। काट के मैं इधर लाऊंगी और इसको मैं सुखाने के टेबल के लिए टेबल के ऊपर रख दूँगी। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर टेबल तो लगा गया, धूप भी आ रही, अच्छी धूप आ रही, तो यहाँ पर सूख जाएगा। सूखने के बाद मैं इसके नीचे थैली रख दूँगी और तब जाके इसी में इसको बारीक घास कर देंगे हम लेमन घास को।
तो ये चने यार मैंने चने ना अभी लाए थे दुकान से, तो मुझे नहीं था पता। जैसे मैंने कल शाम को खाने मतलब इसको भिगाने के लिए मैंने खोला पाए कि मैं भिगा देती हूँ, तो इसमें यार जो हमारे पहाड़ी भाषा में कहते हैं वो टोरे कहते हैं, लेकिन हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, तो इतने हो रखे थे, बहुत ज़्यादा कीड़े हो रखे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।